गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास और आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 तक सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। अपनी कॉपी में आप अच्छी अच्छी राइटिंग में वर्क करेंगे चैप्टर 7 तक। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मार्टिना एंड द डेमन। मार्टिना एक गर्ल का नाम है, लड़की का, और द डेमन मतलब राक्षस। तो अब इस स्टोरी में, इस चैप्टर में क्या दिया गया है यह हम देखेंगे। अबाउट द लेसन, यानी इस लेसन में अब क्या है। इन द स्टोरी मार्टिना लिव्ड विद हर मदर। ये एक स्टोरी है मार्टिना की, जो अपनी मम्मी के साथ, मदर के साथ रहती है। द डेमन ट्रबल्ड देम सो मार्टिना मेड प्लान एंड विद हर इंटेलिजेंस गॉट रिड ऑफ द डेमन। तो राक्षस है, डेमन मतलब राक्षस, वो मार्टिना को और उसकी मम्मी को परेशान करता है, उनको मुसीबत में डालता है। लेकिन मार्टिना ने एक अपनी बुद्धिमानी से एक प्लान बनाया और उस प्लान की वजह से वो दानव है, जो राक्षस है, वो मुसीबत में पड़ गया और उनको उससे मुक्ति मिल गई, उससे छुटकारा मिल गया। द डेमन रन अवे एज इट वॉज चेस्ट बाय द लॉयन। यानी जब लॉयन उसको पकड़ने के लिए आ रहा था तो डेमन वहाँ से, राक्षस वहाँ से भाग गया। तो इस तरह से मार्टिना ने अपनी होशियारी से डेमन को वहाँ से भगा दिया। वो उनको रोज़ रोज़ परेशान करता था। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मार्टिना लिव्ड विद हर मदर। मार्टिना अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दे वर लीडिंग अ पुअर लाइफ, और वह गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे, गरीब थे वो। दे वर्कड वेरी हार्ड होल डे, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उनको पूरा दिन काम करना पड़ता था। दे हार्डली अर्नड देयर फूड, तो जब वो दिन भर वर्क करते थे तो बड़ी मुश्किल से उनको अपना खाना मिल पाता था। वन डे इन द मॉर्निंग मार्टिनाज मदर वेंट टू द फॉरेस्ट टू ब्रिंग सम वुड। एक दिन सुबह सुबह मार्टिना की जो मदर है वह जंगल में गई कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए। फॉरेस्ट मतलब जंगल, वुड मतलब लकड़ी। तो लकड़ी लेने के लिए वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जंगल में गई। इन द इवनिंग सी वॉज ऑन द वे बैक टू द हर होम, और जब शाम हुई तो वह वापस अपने घर की ओर आने लगी। ऑल ऑफ ए सडन अ डेमन स्टूड स्ट्रेट हर वे, तो अचानक से एक राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अरेंज, और बोला उसने, अरेंज फूड फॉर मी डेली, इफ यू विल नॉट डू दिस आई विल ईट अप योर डियर बेबी, सेड ही। यानी जब वो जंगल से वापस आ रही थी इवनिंग में, तो जो डेमन था, राक्षस था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मेरे लिए रोज भोजन का इंतजाम करो, अरेंज करो, नहीं तो अगर तुम ये नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी बेबी को, जो तुम्हारी बेटी है, उसको मैं खा जाऊंगा। इस तरह वो डेमन ने उसको धमकाया, उसकी मम्मी को, मार्टिना की जो मदर थी उसको उसने बताया, धमकाया। मार्टिनाज मदर लव्ड हर डॉटर वेरी मच, तो मार्टिना की जो मदर थी वह अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। सी डिड नॉट विश टू लॉस हर डॉटर, और वह बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि अपनी बेटी को खो दें, या उसकी बेटी उससे बिछुड़ जाए, या उसकी बेटी को कोई खा जाए, तो वो ये नहीं चाहती थी। सी स्टार्टेड ब्रिंगिंग फूड फॉर द डेमन डेली, तो इसलिए उसने रोज राक्षस के लिए भोजन देना स्टार्ट कर दिया। वो डेली अपने यहाँ से भोजन बना के लेके जाती थी और उसको देकर आती थी।
क्योंकि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मार्टिना सेड टू हर मदर, तो मार्टिना ने अपनी मम्मी को कहा, द डेमन ईट्स ऑल अवर फूड। तो मार्टिना ने अपनी मम्मी से क्या कहा, द डेमन ईट्स ऑल अवर फूड, यानी जो राक्षस है वह हमारा पूरा खाना खा जाता है। फूड इज़ नॉट सफिशेंट दैट वी हैव मदर, तो फूड है वो हमारे लिए भी पूरा नहीं रह पाता है, क्योंकि पूरा खाना तो वह राक्षस खा जाता है। तो उसने अपनी मम्मी से, जो हम लेकर आते हैं वो हमारे लिए पूरा नहीं रहता है। आई विल टीच हिम अ वेरी गुड लेसन, सी सेड। तो उसने क्या कहा कि मैं उसको एक बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी अगर आप कहें तो, क्योंकि वो जो भोजन हम करते हैं वो हमारे लिए कम रहता है और डेमन है वो पूरा हमारा भोजन खा जाता है। मार्टिना वेंट डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, तो मार्टिना क्या जंगल में चली गई। सी कॉल्ड आउट टू द डेमन लाउडली, और उसने जोर से राक्षस को बुलाया, कैच मी इफ यू कैन, तुम मुझे अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। जोर से चिल्लाकर उसने राक्षस को बुलाया, कैच मी इन एन आवर इफ यू कैन, और मुझे एक घंटे में ही तुमको पकड़ के दिखाना है, और अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इफ यू फेल टू कैच मी यू विल नॉट गेट फूड एनी मोर, और अगर तुम मुझे पकड़ने में फेल हो जाते हो, पकड़ नहीं पाते हो, तो हम तुम्हें जो भोजन देते हैं वह हम नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें हम भोजन नहीं देंगे, तुम्हें कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। द डेमन शाउटेड आई कैन पिक अप यू विद अ स्मॉल फिंगर, तो डेमन भी वापस, राक्षस भी एकदम चिल्लाते हुए बोला कि मैं तो तुम्हें एक छोटी सी अंगुली से ही अभी उठाकर ले आऊँगा या पकड़ लूँगा, मेरी छोटी सी अंगुली में ही तुम तो पकड़ में आ जाओगी। When Damon ran to catch her, Martina ran into a den. यानी जब डेमन उसको पकड़ने के लिए आया तो मार्टिना गुफा की तरफ दौड़ने चली गई। There lived a lion there. तो वहाँ पर एक शेर रहता था, लॉयन डैन में ही रहता है, लॉयन गुफा में ही रहता है। सी रैन अराउंड द डैन, तो वह गुफा के चारों तरफ घूमने लगी, चक्कर लगाने लगी। लकीली द लॉयन वॉज अस्लीप, यानी ये तो अच्छा हुआ कि लॉयन वहाँ पर सो रहा था, लेकिन जो मार्टिना थी वो ये चाहती थी कि इसको सबक सिखाऊं डेमन को, इसलिए वो गुफा के पास गई। सी हिट बिहाइंड द डैन, तो उसने गुफा के पीछे की तरफ जाके देखा। द डेमन हिट द डैन विद हिज फुट टू फाइंड मार्टिना, तो वो जो मार्टिना थी वो गुफा के पीछे छिप रही थी, उसके पीछे जाके देख रही थी कि वो कहाँ है डेमन। तो जो डेमन था, राक्षस था, उसने अपने पैरों से गुफा को टच किया, अपने पैरों से उस पर पैर मारा गुफा के ऊपर। उसको लगा कि मार्टिना गुफा के अंदर है, उसने मार्टिना को ढूंढने के चक्कर में उस पर पैर लगा दिया। देन ही हियर्ड लाउड रोर इन द डैन, तो तभी उसने वहाँ पे एक जोर से दहाड़ने की आवाज़ गुफा के अंदर से सुनी। ही टुक हिज फुट बैक, तो उसने अपना जो पैर था उसका गुफा के ऊपर लगा हुआ उसको वापस पीछे ले लिया। द एंग्री लॉयन केम आउट ऑफ द डैन, जो लॉयन था वो सो रहा था तो अचानक से उसके डैन पे पाँव आया तो उसको गुस्सा आ गया, तो गुस्से में लॉयन अपनी गुफा में से बाहर आया। द लॉयन जम्प्ड अपॉन द डेमन, तो लॉयन है, शेर है, वो एकदम से राक्षस के ऊपर कूदने लगा। द डेमन वॉज मच अफ्रेड ऑफ द लॉयन, तो जो राक्षस था वह लॉयन से बहुत डर गया कि अभी ये मुझे खा जाएगा, क्योंकि लॉयन की उसने नींद खराब की थी और गुफा के ऊपर उसने पैर मारा था। ही वेंट अवे बैक, और वो वहाँ से चला गया, डर गया था इसलिए वहाँ से चला गया। ही नेवर ट्रबल्ड मार्टिना
एंड हर मदर अगेन। तो उसने उसके बाद में कभी भी मार्टिना और उसकी मम्मी को परेशान नहीं किया। तो मार्टिना ने ये प्लान बनाया था कि हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए, ये हमारा रोज़ रोज़ खाना खा जाता है। तो उसने चलाकर वो गुफा के पास गई, ताकि वहाँ लॉयन था और वो गुफा के पीछे छुपी। तो राक्षस ने गुफा के ऊपर पैर दिया और जब लॉयन बाहर आया तो वह राक्षस डर के वहाँ से भाग गया और फिर कभी भी उनको परेशान करने के लिए नहीं आया। तो ये स्टोरी आपकी यहाँ पर पूरी हो गई है। ये क्वेश्चन आंसर है, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में करने हैं और ट्रू फॉल्स तक ये यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। और ये है ग्रामर सेक्शन वाले, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।